Hello, if you are in 8th standard, 9th standard or 10th standard, then this video is for you. My name is Abhijit Peshkar, Director of Physics Forum. Physics Forum ये institute है जो 8, 9, 10th, 11, 12th ये सारे standards के लिए physics का preparation करवाती है. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप स्कूल में हो और अगर आप 8, 9, 10th standard में हो तो आप स्कूल में ही कैसे पढ़ाई कर सकते हो सो दैट यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम फेसिंग व्हेन यू कम टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. अगर ये वीडियोस पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो ये ध्यान से देखें और हर एक पॉइंट को नोट कर ले. मैं पिछले 8-10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. पहले तो मैं 11th 12th के लिए पढ़ाता था बट अभी 8 9 10th भी स्टार्ट कर दिया है. द रीज़न इज़ कि जब मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत बच्चे जिनका परसेंटेज स्कूल में बहुत अच्छा होता है, जैसे 90% अबव भी बच्चे होते हैं, बट 11th 12th में आके उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट. ये ऐसा क्यों होता है? आपने भी आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके छोटे बच्चे ने या फिर बेटी ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि क्या होता है कि स्कूल तो बहुत ही अच्छा करते हैं बट 11th 12th में आके क्या होता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम इज विद द टेक्निक, प्रॉब्लम इज द मेथड ऑफ स्टडिंग वाइल वी आर इन स्कूल. मतलब जब स्कूल में होता है तो पढ़ाई करने का जो तरीका होता है वो कंप्लीटली अलग है एज कंपेयर टू द स्टडी मेथड विच इज रिक्वायर्ड फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. ये जो एग्जाम्स है नीट और जेई या फिर और बाकी एग्जाम्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये सारे एग्जाम्स को ना एक थोड़ा स्मार्ट वर्क लगता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है. और ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे एक दिन में नहीं आ सकती, इसके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत पहले से इसकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू होनी चाहिए. मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे फाउंडेशन करके आते हैं उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो डायरेक्ट 10th के बाद 11th 12th की पढ़ाई करना शुरू करते हैं. तो मैं एडवाइस करूँगा सबको जिसको आगे जाके साइंस स्ट्रीम में आना है कि पहले से ही प्रिपरेशन करो. इसके लिए बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही काम कर सकते हो. साइंस और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ो वाइल यू आर इन स्कूल. जब आप स्कूल में हो तभी ये दो सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ बात करूंगा और 100% अगर आप इसको फॉलो करते हो, थोड़ी छोटी छोटी बातें फॉलो करनी है और उससे आप 11th 12th में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री कर सकते हो और नीट और जेई या फिर और जो बाकी एग्जाम्स है जो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी है उसके लिए आपको हेल्प होगी. सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको आपका मैथमेटिक्स जो पार्ट है उसमें भी जो अल्जेब्रा और ज्योमेट्री है उसको बहुत अच्छे से करना है. मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स हो चुके या फिर आपसे छूट गए, तो दिमाग में ये रखो कि हमें ये 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं करना है, हमें 11th 12th के लिए प्रिपरेशन करनी है. तो फिर से उस टॉपिक को बार बार पढ़ो. आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए. मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को फिजिक्स तो जम जाता है बट मैथ्स वीक होने की वजह से वो फिजिक्स नहीं कर पाते. एंड रिमेंबर, फिजिक्स इज अ रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स जो होता है ना वो रैंक डिसाइड करता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है. दूसरी चीज, साइंस, स्कूल का जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट और इवन बायोलॉजी भी कवर्ड होता है. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्ट्रांग एडवाइस रहेगा मेरा कि साइंस को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है. और एक चीज जो बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं वो उसको लर्न नहीं करना है, साइंस को लर्न नहीं करना है. आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास वीडियोज़ है, हमारे पास एनिमेशन है, उसको देख के साइंस समझना है. तो अगर आप स्कूल में हैं तो साइंस के टॉपिक को एंजॉय करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, बिकॉज अगर आपका साइंस स्ट्रांग है तो आगे जाके आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, इनोवेशंस कर सकते हो, R&D में जा सकते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो. तो साइंस और मैथ्स में मेरा फोकस रहेगा और इसीलिए फिजिक्स फोरम में हमने 2020 से 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए भी फिजिक्स फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे जब 11, 12 में आएंगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस हमेशा इस लेवल पे होना चाहिए. ठीक है, मुझे बहुत दिक्कत होती है जब मैं बच्चों को यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है बट फिर भी मैं उसको हेल्प नहीं कर पाता. सो मेरी स्ट्रांग एडवाइस रहेगी आप सबको कि आपको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है मैथ्स और साइंस को while you are in school. ठीक है, so if you are still in any confusion what to do, you can contact me, you can visit our office and you can have a discussion with me.
Okay, so I hope this video was useful for you, and all the best if you are going to prepare for NEET and JEE in future. Bye.